नोएडा सेक्टर 93A में सुपरटेक ट्रेन 28 अगस्त को गिरा दिया गया था। महज कुछ ही सेकंड में 32 मंजिला इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई। लड़ाई का अंत ट्विन टावर ढहने के रूप में सामने आया। देश में पहली बार इतने ऊंचे टावर को गिराया गया। एमराल्डे कोर्ट सोसाइटी ने जीत की खुशी को विजय दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान लेजर लाइट शो का आयोजन भी किया गया, जिसमें ट्विन टावर के बनने से लेकर गिरने तक की 10 वर्षों के संघर्ष की दास्तां बयां की गई है। इसके साथ ही संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाले सोसाइटी निवासी और अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान रंगारंग संस्कृति कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी की RWA अध्यक्ष उदयभान सिंह देवड़िया ने बताया कि रेजिडेंट ने ट्विन टावर के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। लेजर लाइट शो के जरिए ट्विन टावर की पूरी कहानी बताई गई। लेजर लाइट शो में दिखाया गया कि एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में पार्क की जमीन पर बिल्डर ने प्राधिकरण अधिकारियों के साथ साठगांठ करके 32 और 29 मंजिल के 2 टावर का निर्माण कराया था। इसके खिलाफ सोसाइटी की AOA ने आवाज उठाई। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने AOA के पक्ष में फैसला सुनाया और ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद गत 28 अगस्त को ये दोनों इमारत ध्वस्त कर दी गई, जिसकी जीत की खुशी विजय दिवस के रूप में मनाई गई। 10 साल की मेहनत, 10 साल का परिश्रम, 10 साल की तकलीफें, क्या खुशी खुशी में ये दिवाली मनाई जा रही है। आपने देखा है सब लोग पूरी सोसाइटी के लोग, बाहर के लोग, एमिनेंट लोग, लॉयर्स लोग कितने खुश हैं कि जस्टिस हैज प्रिवेल्ड, द रूल ऑफ लॉ हैज प्रिवेल्ड इन इंडिया।